57 बीजेपी लड़ेगी, शिंदे 78 लड़ेंगे, 55 आप लड़ेंगे और एक दूसरे की जमीन पर अपने प्रत्याशी उतारते हुए नजर आ रहे हैं। गरिमा जी, एक दूसरे की अभी तो लिस्ट फाइनल कहां हुई है? बीजेपी ने 99 उम्मीदवारों की लिस्ट फाइनल कर दी। 99 सहमति, मैं गरिमा जी मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, ये जो 99 सीटों पे जो उम्मीदवार घोषित किए हैं बीजेपी ने, वो हम लोगों से आपसी सहमति के बात की है। यदि आज अगर आज शिवसेना या एनसीपी अपने किन्हीं दो सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवारों के लिए सहमति दे देती है तो इसमें क्या गलत है, क्योंकि कहीं हमको भी उनसे सहमति मिल रही है। अभी जब लिस्ट आएगी तो उसमें आप देख लेंगी कि कहीं हम लोगों को भी मौका मिला है, शिवसेना को भी मौका मिला है। मैं आपसे एक बात खासतौर से कहना चाहता हूँ कि किसी भी हालत में हमारे पास यहाँ पर किसी प्रकार का कोई भी विवाद नहीं है। उसके पीछे दो तीन मूल कारण है। पहली चीज ये कि हम लोग इस बात को समझते हैं कि महाराष्ट्र के विकास के लिए महायुति की सरकार सबसे काबिल सरकार है और इसको इसके जीतने से महाराष्ट्र का वो विकास होगा जिसकी कल्पना वहां का आम नागरिक करता है। इसलिए हम लोगों ने पहले दिन से यह तय किया था कि हम लोग बहुत सामंजस्य के साथ उन उम्मीदवारों को मैदान में लेकर आएंगे जो जीत सकते हो, चाहे वो हम तीनों में से किसी भी दल के क्यों ना हो। हमने संख्या में कोई विवाद नहीं किया। था बिल्कुल ठीक वैसे ही हुआ ना ब्रजमोहन श्रीवास्तव, जैसे इंडिया में किचकिच है कि भाई तीन बैठ गए, उद्धव ठाकरे बैठ गए, शरद पवार बैठ गए, कांग्रेस बैठ गई, अखिलेश यादव को किसी ने पूछा नहीं, बाकी लोगों को किसी ने महाराष्ट्र में पूछा नहीं। आपके यहां भी आप बैठ गए, 155 पर बीजेपी लड़ेगी, 78 पर शिवसेना लड़ेगी, 55 पर आप लड़ेंगे। ना रामदास अठावले से पूछा और वो जो निर्दलीय सरकार में, ना उनसे किसी ने पूछा, 8 और छोटी पार्टियां हैं, ना उनसे किसी ने पूछा। गरिमा जी मैं इसको स्पष्ट कर दूं, ये जो लोग बच गए हैं उनको जो हम लोग हमारी अपनी पार्टियां, जैसे कि पिछली बार विधान लोकसभा के चुनाव में हमने अपने दो साथियों को मौका दिया था, हमको 5 सीटें मिली थी, उसमें से 2 सीटें हम लोगों ने शेयर की थी अपने साथियों के साथ। हाँ। अभी भी यही होगा, तो मैं सोचता हूँ इसमें कहीं किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। लेकिन जब मैं इस तरफ देखता हूँ IADI की तरफ, तो मैं अभी रांची में था, वहां मैंने देखा उस दिन की आदरणीय राहुल गांधी जी से मिलने वहां के मुख्यमंत्री आते हैं, उसी होटल में आदरणीय तेजस्वी जी भी रुके हुए हैं, वो बगैर उनसे मिले वापस चले जाते हैं। अंततः गतवा बेचारे तेजस्वी जी को अपने साथियों के साथ जाके मुख्यमंत्री निवास में बात करना पड़ती है। और तीसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे पास हमारी अपनी नीतियां और हमारा अपना प्रोग्राम और हमारे आदरणीय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी तो है ही, लेकिन इसके अलावा विपक्ष भी हमारी बड़ी मदद कर रहा है और इनके दो चेहरे बड़े बड़े मददगार है हमारे। एक का नाम है आदरणीय संजय राउत जी और दूसरे आदरणीय मनोज झा साहब। ये जब भी आते हैं हम तो चाहते हैं दिन में कम से कम ये 2-3-4 बार आए और आके ये अपने अंदर की बहुत सारी कहानियां बताएं जिससे पूरे देश को पता लगे। अच्छा, रामदास अठावले को भूल जाते हैं किस प्रकार से विवाद चल रहा है, चिराग पासवान को भूल जाते हैं, रामदास अठावले को भूल जाते हैं। और चिराग पासवान ने कहा एक सीट देकर हमारा गुजारा भत्ता जैसा तय कर दिया। हम कम से कम 2 सीट के हकदार हैं झारखंड में, चिराग पासवान को आप कन्वीनियंटली भूल जाएंगे, रामदास अठावले को कन्वीनियंटली भूल जाएंगे। नहीं, भूले नहीं है गरमा जी, मैं आपसे ये कह रहा हूँ इनमें से किसी भी आदमी ने आके सार्वजनिक मंच पर अपने इसको कंडेम नहीं किया है। बिल्कुल कहा कल चिराग पासवान ने, जैसे ही झारखंड की सीटें घोषित हुई ये कहा चिराग पासवान ने हमसे बात नहीं हुई, हम 2 सीटों पर क्लेम करेंगे। पर संजय राउत जी को तो सुनिए, उन्होंने तो महाराष्ट्र के सारे कांग्रेस के नेताओं को नकारा सिद्ध कर दिया, उन्होंने तो ये बोल दिया कि इनसे बात करने का कोई औचित्य नहीं है। तो इस ढंग की कोई बात आज तक NDA के किसी घटक दल ने नहीं कही है। किशोर तिवारी ये सब